उड़ीसा में अभी चुनाव होने हैं अभी हाल में, उधर आपकी देखा जाए तो काफी अच्छे संबंध थे नवीन पटनायक जी के साथ, उन्होंने कई मुद्दों पर आपको सपोर्ट किया, अब आप लोगों का अलायंस नहीं है और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं, तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हर एक को कि भाई मुझे किसी की दुश्मनी नहीं है। लेकिन 25 साल से उड़ीसा में प्रगति नहीं हो, और सबसे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़ीसा की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है, ऐसा लगता है पूरी व्यवस्था को बंधक बना दिया है, और जब इतना बंधक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उड़ीसा अगर उस बंधनों से बाहर आएगा तो उड़ीसा खिलेगा। उड़ीसा की अस्मिता का सवाल है, इतने प्राकृतिक संसाधन है उड़ीसा के पास, एक समृद्ध राज्य के गरीब लोग देख करके दुख होता है, हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों में उड़ीसा है, इतनी प्राकृतिक संपदा है, और हिंदुस्तान के गरीब लोगों के राज्य में भी उड़ीसा है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है और इसलिए उड़ीसा के लोगों का उनका हक मिलना चाहिए, उड़ीसा को उसकी अस्मिता मिलनी चाहिए, उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। मोदी जी बंग जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।